जैन बच्चों बच्चों हम लोग पिछले क्लास में साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी के और कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलों से हम कुछ फॉर्मूले लेकर आए। बेटा पिछले क्लास में हम डिस्कस करते हुए रह गए कि उन फॉर्मूलों से एक फॉर्मूले को हम लोग और निकाल सकते हैं जो कि कभी कभी क्वेश्चंस में हमें बहुत यूज होता है। अगर उनको याद है तो हम लोग काफी आसानी से चीजों को देख लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं उनको भी। फिर बेटा आज हम लोग बातें करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल फॉर्मूलों की, पहले एक बार उन दोनों को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, या कॉस ए साइन बी कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों यहां से साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए देख सकते हैं। बच्चों एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, हम इक्वेशन वन और टू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर वन और टू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी होगा इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी होगा। बेटा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किए, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो देखना बच्चों यहां देखो साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए इन दोनों का सम है, इन्हीं दोनों का यह डिफरेंस है। तो बच्चों याद आ रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम उसको अप्लाई कर सकते हैं बच्चों यहां पर। तो उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों डायरेक्टली लिख रहे हैं कि यहां पर साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन साइन ए और कॉस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उल्टा हो गया नहीं, ये कहां से आ गया साइन बी कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। बच्चों अब देखना ध्यान से, तो ये वैल्यू को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो और ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर बी हो गया माइनस ये क्या हो गया साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, हम चाहते हैं कि जो इधर साइन और कॉस में दो दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख रहे हैं उनको हम चेंज करना चाहते हैं, किसमें चेंज करना चाहते हैं साइन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं एक बार। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को साइन के ही फॉर्म में लेकर आते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करो साइन स्क्वायर ए लिखा कॉस स्क्वायर बी को वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो ऐसे बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है अब इसको क्या लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हो। बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं इस साइन स्क्वायर ए को अंदर लेके चलो, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी ऐसा लिख दी। बच्चों इस वैल्यू को अंदर लेके चलो माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस ए माइनस बी के प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये मिल गया। बेटा देखना एक हम लोग नया फॉर्मूला लेकर आ गए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा जाए तो हम लोग इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में लिख सकते हैं, इसको याद रखना बेटा। बच्चों अगर हमारी इच्छा होती कि हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर दें तो आप कर सकते थे, कॉस में कन्वर्ट करते तो क्या दिखता देखते हैं, कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या दिखेगा है? ये जो देखो साइन स्क्वायर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं इसी को
माइनस वन माइनस क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं बच्चों, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी सकते हैं बेटा। अब बच्चों ये वैल्यू में कैसे लो, दिस इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो बेटा हाँ, अगर हम लोग समझ गए होंगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ऊपर लिखें क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखे तुम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक बार लिखे थे। अब इसी को कॉस पर कन्वर्ट किए तो दिस वैल्यू द कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए यही हुई। तो बच्चों ये साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले हो गए हमारे पास, इनको ध्यान रखना, ये साइन में ये कॉस में, इनको याद प्रोडक्ट करके। अब बच्चों हम लोग जो है कॉस वाले फॉर्मूले को प्लस कॉस में जो प्लस का फॉर्मूला था कॉस में माइनस में था, उन दोनों फॉर्मूले का एक बार प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। कॉस बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, अरे सर बहुत फॉर्मूले आ रहे हैं, कोई बात नहीं आने दो, इनको बस एक जगह रखेंगे हम लोग और रटने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में अप्लाई करते रहो और इनको याद कर। हाँ एक बार इसको रटो नहीं, इसको समझने की कोशिश करो और फिर अपने आप जब अप्लाई करने लगोगे याद हो जाएंगे फॉर्मूले। कॉस ए प्लस बी को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए एंड साइन ऑफ बी। बच्चों कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बच्चों इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें लेफ्ट साइड में तो प्रोडक्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड हमारी क्या आ जाएगी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। बच्चों राइट साइड हमारी क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहां से कितना हो गया दिख रहा है ना, ए प्लस बी लिखा है ए माइनस बी सेम है, तो कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों यहां से कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बच्चों एक काम कर सकते हैं, यहां पर अगर हम कोशिश करें कि दोनों को कॉस मिला दें और दोनों को साइन मिला दें तो थोड़ा सा बढ़िया कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं। हाँ लेकिन एक काम किया जा सकता है कि ये जो कॉस स्क्वायर ए लिखा है ना, बी वाले एंगल को हम लोग चेंज कर देते हैं, b के एंगल को हम लोग चेंज कर देते हैं, b को साइन के फॉर्म में लाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस और a को कॉस में ला देते हैं, कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, एक बार देखना साइन स्क्वायर b कॉस मल्टीप्लाई कर लो कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर लेना साइन स्क्वायर बी, ये माइनस ही प्लस हो गया बेटा, प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, देखो कुछ आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस में, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में, ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट कर लो और हमारे पास क्या बचेगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच गया, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या मिल गया कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये वैल्यू हमारे पास बच्चों ये ध्यान रखना है कि हम लोग अभी इसके पहले फॉर्मूला एक देखे थे साइन ए प्लस बी
इनटू साइन ए माइनस बी, उसको हम साइन कॉस दोनों के फॉर्म में लिख दिए थे। क्या लिखे थे? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखे थे, कॉस के फॉर्म में लिखे थे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए थे। यहाँ बेटा कॉस के फॉर्म में तो एक कॉस में और एक साइन में, अगर आपकी इच्छा है तो ए को साइन में भी बदल सकते हो, बी को कॉस में बदल सकते हो, या आप करके दे सकते हो भी। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर लिख रहे हैं। बच्चों अभी तक जो भी फॉर्मूला हम किए हैं सब में डबल एंगल है, सब में दो दो एंगल को भी हम यूज किए हैं। अब बच्चों कुछ फॉर्मूले हम लोग ट्रिपल एंगल के लिए करेंगे, कुछ फॉर्मूले हम लोग ट्रिपल एंगल फॉर्मूलो को करेंगे। जैसे हम चाहते हैं साइन 3a का फॉर्मूला मिले हमें, कॉस 3a का फॉर्मूला मिले, तो देखते हैं बच्चों कैसे लाएंगे हम लोग। जैसे हम लोग साइन ऑफ 3a लिखे, तो बेटा इस फॉर्मूले को लाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं साइन a प्लस 2a, a प्लस 2a। बच्चों 2a प्लस a भी लिखोगे तो कोई लड़ाई की बातें नहीं लिख सकते। अब बेटा यहां से a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, साइन a प्लस b का क्या फॉर्मूला था बच्चा याद है ना? साइन a cos ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2a इंटू कॉस ऑफ a लिखा जा सकता। बच्चों एक काम करते हैं, ये साइन ऑफ a अभी cos 2a को चेंज करने की कोशिश करते हैं साइन के फॉर्म में, cos 2a को चेंज कर रहे हैं साइन के फॉर्म में। क्या चेंज करें? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a किसको चेंज करती है? cos 2a प्लस साइन 2a को चेंज कर सकते हैं हम लोग, साइन 2a को चेंज करेंगे तो क्या ले सकते हैं? 2 साइन a इनटू कॉस ऑफ a इनटू कॉस ऑफ a। ध्यान रखना कि साइन 2a की वैल्यू को ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों एक काम करना है हमें, इनको मल्टीप्लाई करना है, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब बच्चों ये 2 साइन a इनटू कॉस a मिलकर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर a, तो ये मिल गया हमें कॉस स्क्वायर a हो गया। अब ध्यान रखना ये साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a, बच्चों इस कॉस स्क्वायर a को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ले सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है। अब बच्चों एक काम करते हैं, साइन ऑफ a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a का मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब देखना बेटा ये साइन a और इन 2 साइन a मिलकर कितना हो गया? 3 साइन ऑफ a माइनस 2 साइन क्यूब a, यहां से मिल गया कितना हो गया? माइनस 4 साइन क्यूब। बच्चों ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया साइन ऑफ 3a का, इसको याद रखेंगे। ये साइन 3a का फॉर्मूला क्या है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a का फॉर्मूला क्या है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कभी कभी बेटा इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले निकाले जाते हैं जो कि कभी क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। जैसे ऐसे साइन क्यूब दिखे, क्यूब दिखे, यहां से बच्चों देखो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इनको उधर लाते हैं, तो ये 4 साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन ऑफ 3a लिख सकते हैं। अब 4 से डिवाइड कर दो तो साइन क्यूब a 3 साइन a माइनस साइन ऑफ 3a डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा अगर साइन क्यूब a कहीं दिखे तो आपके दिमाग में एक बार जरूर स्ट्राइक करना चाहिए ये साइन 3a के फॉर्मूले में ही आता था,
तो वहीं से इसको हम लोग निकालते हैं। लेकिन आपको याद इसको रखना है, इसको नहीं याद रखना है, ये तो आपको पता चल जाना चाहिए। क्यूब दिख रहा है तो साइन थ्री ए के फॉर्मूले को हमें लिखना चाहिए, हम याद इसको रखेंगे साइन थ्री ए के फॉर्मूले को, ये याद। अब देखते हैं, अब बच्चों हम लोग ऐसे ही कॉस थ्री ए के फॉर्मूले को लेकर आते हैं। कॉस ऑफ थ्री ए, तो बच्चों हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस टू ए। बच्चों कॉस ए प्लस टू ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, कितना होगा cos of a cos of 2a minus sin of a sin of 2a लिखा जा सकता है बेटा। अब बच्चों इस cos 2a को cos के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब देखो cos 3a का फॉर्मूला लिख रहे हैं इसे cos के फॉर्म में, इसके पहले sin 3a का फॉर्मूला लिख रहे थे, सबको sin के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, है इसमें इस बार सबको cos के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां से देखो बेटा cos of a, ये फार्मूला पढ़ो cos 2a का, cos के फॉर्म में cos 2a के कितने फार्मूले मिलेंगे, चार फार्मूले, तो उसमें से cos a के फॉर्म में जो फार्मूला था एक बार फॉर्मूले को देखो जाकर, देखो जल्दी से, तो कितना आया बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ठीक है, माइनस sin a, sin 2a का फॉर्मूला sin cos वाला, तो कितना आ गया 2 sin a into cos a। बच्चे एक बार काम करना, वीडियो को पॉज करना और इसको आगे सिंपलीफाई करना, सबको cos के फॉर्म में एक बार देखो क्या वही आ रहा है जो हम लाने वाले हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको एक बार जरूर अपने से ट्राई करेंगे। तो ये बेटा हो गया 2 cos cube a माइनस कॉस ऑफ ए, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इनटू कॉस ऑफ ए हो गया। अब बच्चों ये साइन स्क्वायर ए को, इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं किस में, कॉस के फॉर्म में, चाहे कॉस में सबको बनाना, तो बेटा यहां से 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ऑफ ए माइनस 2 इनटू क्या लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर a into cos of a लिखा जा सकता है बेटा, ये 2 cos क्यूब a minus cos of a, बच्चों इनको minus 2 और cos से अंदर लेकर चलते हैं, कितना हो गया minus 2 cos of a, ध्यान रखना आपने से करना एक बार इसको। अब उसके बाद इस minus 2 को और cos को अंदर लेकर आओ तो ये plus 2 cos कितना हो गया क्यूब a। अब क्यूब वाले सारे टर्म्स को एक जगह कलेक्ट करो, 2 cos क्यूब a और इनको मिलाकर कितना हो गया 4 cos of क्यूब a minus 3 cos of a, this is the cos of 3a का फार्मूला है बेटा। cos a का भी फार्मूला मिल गया हमें, इसके पहले हम लोग sin 3a का फार्मूला लिखे, तो cos 3a का फार्मूला कितना है 4 cos क्यूब a minus 3 cos a। बच्चों sin 3a के फॉर्मूले में sin क्यूब आता था, cos 3a के फॉर्मूले में भी cos क्यूब आया है, तो क्या इसकी हेल्प से हम यहां cos क्यूब a के बारे में भी जान सकते हैं, कैसा होगा देखा ना, cos of 3a plus 3 cos a is equal to 4 cos क्यूब a। अब यहां से cos क्यूब a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये cos लिखा है ध्यान रखना, क्या लिख सकते हो cos of 3a plus 3 cos of a divided by 4, ध्यान याद तो इसी को करना है, ये तो वैसे ही बता दिया आपको, ये cos जो है क्यूब के फॉर्मूले को अगर क्यूब दिखे तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि cos 3 के फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये याद रखना। अब बच्चों हम लोग tan के फॉर्मूले में आते हैं, tan 3 का फॉर्मूला कैसे लिखते थे, tan of 3 तो हम लोग tan of a plus 2 a लिखा जा सकता है,
अब बेटा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो tan a प्लस tan ऑफ 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ 2, ऐसे ना। अब बच्चों tan 2a का फॉर्मूला, ये tan ऑफ 3a है ना, tan 2a का फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग अपने फॉर्मूले में, tan ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ऐसा लिखे हम लोग। उस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करो, tan 2a जहां भी लिखा है उस वैल्यू को यहां पुट करो और उसके ऊपर सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो और लास्ट में देखना, अपने से करना, उसके बाद मेरा देखना क्या वही लिख रहे हैं जो हम लिख रहे हैं। tan ऑफ a प्लस क्या लिखा ये 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan a, और ये हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये बच्चों अब ये देखो, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया tan a माइनस tan स्क्वायर देखा प्लस 2 tan a प्लस 2 tan a, क्या गड़बड़ हुआ ना, जब इनके साथ मल्टीप्लाई की तो tan a tan a के इसके साथ मल्टीप्लाई की तो tan क्यूब होगा, और डिनोमिनेटर हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a आ रहा है, क्या हम लिखें, और अब बारी बेटा डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की, इनको साथ में किए तो 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो tan स्क्वायर a माइनस इस tan को भी ले जाओ तो 2 tan स्क्वायर a, यहां पे डिनोमिनेटर वही है जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, क्या भाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहां भी 1 माइनस tan स्क्वायर a कैंसिल आउट कर देते हैं, समझ गए होंगे आप, एक बार इसको अपने से करके देखना बेटा। अब देखो tan a 2 tan मिलकर कितना हो गया 3 tan ऑफ a हो गया, 3 tan ऑफ a बच्चों, ये tan और माइनस कितना है, माइनस tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, मिलकर पूरी वैल्यू कितनी होगी माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो बच्चों इसको 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये किसका फॉर्मूला हो गया tan ऑफ 3 a का। तो हमारे पास यहां tan 3 a का फॉर्मूला क्या मिला बेटा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये हो गया। तो बच्चों हम लोग आज जो ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक बार देखते हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या, एक बार हम लोग साइन ऑफ 3a के बारे में देखते हैं, क्या लिखते हैं साइन ऑफ 3a को, याद आ रहा है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और एक बार cos ऑफ 3a को क्या लिखते हैं हम लोग 4 cos cube a minus 3 cos of a, एक बार tan of 3a को क्या लिखे हम लोग 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a, इनको ध्यान रखना। अब कुछ इनको apply कैसे करते हैं, तो ये triple angle formula है, अगर हम आपसे ये बोल दें कि साइन ऑफ ए पर ट्रिपल एंगल फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं कैसे करोगे, फिर साइन ऑफ 3 टाइम्स ए बाय 3 लिख सकते हो, 3 टाइम्स ए बाय 3 लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जहां ए लिखा है बाय 3 तो 3 साइन ऑफ ए बाय 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाय 3 बेटा, ऐसे सारे को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप एक बार ट्राई करना, थैंक यू बच्चों।
हम लोग अगले क्लास में और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देखेंगे।